हेलो प्यारे बच्चों, आज 2 अक्टूबर है। आज ही के दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर, एक महान संत का, एक महान दार्शनिक का, एक महान राष्ट्रभक्त का, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई एक ऐसी हुकूमत से जिसके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, केवल सत्य अहिंसा के बल पर चलकर दे दी हमें आज़ादी। बिना खड़ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी को किसी व्यक्ति से नफरत नहीं था, वो उसके विचार से नफरत करते थे। ऐसे जीवन चरित्र, ऐसे महान व्यक्ति के जीवन से जो तीन इम्पॉर्टेंट बातें, तीन महत्वपूर्ण बातें जो हम सीख सकते हैं, वो आपके समक्ष लेके आया। सबसे पहला, सेल्फ कॉन्फिडेंस। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी साधारण से शक्ल सूरत वाले व्यक्ति थे, साधारण से इंसान जिसका धोती कुर्ता जिनका वस्त्र था। ऐसे व्यक्ति ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनका जन्म ही इसलिए हुआ है कि देश को आज़ाद करा सके। इसलिए प्यारे बच्चों, आपका जो भी ध्येय है, जो भी लक्ष्य है, आप जरूर प्राप्त करेंगे यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है। तो आत्मविश्वास के बिना व्यक्ति एक ऐसे एरोप्लेन की तरह होता है जिसके अंदर फ्यूल नहीं है। अगर फ्यूल ही नहीं रहेगा तो एरोप्लेन ऊपर कैसे उड़ेगा? तो इसलिए आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को अगर छूना चाहते हैं तो आत्मविश्वास रूपी फ्यूल होना जरूरी है, उसके अंदर वो ईंधन होना जरूरी है आत्मविश्वास का। प्यारे बच्चों, आप जरूर जीवन में सफल होंगे अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो। दूसरी बात, निरंतरता, कंटिन्यूटी। प्यारे बच्चों, बड़े से बड़े लक्ष्य को निरंतर रहकर लगातार प्रयत्न द्वारा किया जा सकता है। महात्मा गांधी कई बार जेल गए, कितनी यातनाएं सही, लेकिन अपने पद से डिगे नहीं। 1915 में वो देश की आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट किए और तब से लेकर 1947 तक वो ब्रिटिश साम्राज्य के अगेंस्ट लड़ते रहे। उन्होंने हार नहीं मानी। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी। कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन अंत में रेस जीत जाता है। क्यों? क्योंकि वो लगातार प्रयत्न करता है। जीवन में आप लगातार प्रयत्न करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, कोई भी इंसान ऊपर से बन के नहीं आता, वो करता है तब उसे आता है। एक अच्छा खिलाड़ी खेल खेल करके ही अच्छा खिलाड़ी बनता है, एक अच्छा वकील वकालत कर करके ही अच्छा वकील बनता है, एक अच्छा एजुकेटर पढ़ा पढ़ा करके ही अच्छा एजुकेटर बनता है, एक अच्छा वक्ता बोल बोल कर ही अच्छा वक्ता बनता है। तो इसलिए निरंतर प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, प्रयास करके पूर्णता आती है उसमें। इसलिए कभी भी हार ना माने और लगातार प्रयत्न करते रहें। तीसरी बातें और अंतिम बातें जो हम उनकी जीवन से सीखनी चाहिए वो ये कि हम दूसरों में बदलाव चाहते हैं लेकिन अपने अंदर बदलाव नहीं लाते। हम दूसरों से सम्मान लेना चाहते हैं लेकिन दूसरों को सम्मान नहीं देना चाहते। हम दूसरों से प्यार लेना चाहते हैं लेकिन दूसरों को प्यार नहीं देना चाहते। तो जो चीज़ हम दूसरों से चाहते हैं, पहले उसके लिए अपने आप को भरे। महात्मा गांधी ने अपने बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में लिखा है कि आप जो दूसरों से चाहते हैं, पहले अपने आप को उससे भर दें। क्योंकि हर एक इंसान एक अद्भुत होता है, प्यारा इंसान होता है। तो आप दूसरों से जो चाहते हैं वो जरूर अपने आप को पहले फील करें उससे। आप दूसरों से अनुशासन चाहते हैं, खुद अनुशासित हो। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।